हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चैनल और मेरे चैनल विश्वास को कहीं आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गुलाब जामुन की बहुत ही टेस्टी और जूसी रेसिपी। तो दोस्तों, इन गुलाब जामुन को हम बिना खोया यानी बिना मावा के बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिना मावा के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रख दिया है मैंने एक पैन। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया है। इसमें डाल दूंगा मैं 1/2 कप दूध। अब इसमें डालूंगा मैं 2 टीस्पून घी। घी डालने के बाद इसमें डालूंगा मैं लगभग 1.5 कप मिल्क पाउडर। आप कोई से भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। धीरे धीरे मिक्स करते हुए आप देखेंगे कि इसमें गुठलियाँ पड़ गई हैं, आप देख सकते हैं इस तरह। लेकिन हमें इसे लगातार मिक्स करते जाना है, ये गुठलियाँ अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसकी जो मोटी मोटी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब गैस की फ्लेम को मैं ऑन कर दूंगा और गैस की फ्लेम को कर दूंगा मैं मीडियम। और इसे मीडियम फ्लेम पर हमें इसी तरह लगातार चलाते हुए कुक करते जाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी या मावा जैसी ना हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसे कुक करते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम पतली हो जाएगी, यानी कि एकदम पतला कंसिस्टेंसी हो जाएगी इसकी। लेकिन जब आप इसे धीरे धीरे कुक करते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी अपने आप ही चेंज होती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी वो चेंज हो रही है, मतलब ये थोड़ा गाढ़ा होते जा रहा है। तो आपको लगेगा कि ये बीच में चिपक रहा है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसे चिपकने दीजिए और आप अपना काम जारी रखिए जो हमें लगातार इसे चलाना है। तो अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। बस हमें इसी तरह इसे लगातार चलाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी जो है मावे जैसी ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसे लगातार आप चलाते हुए हमने कुक कर लिया है। आप इसकी टेक्सचर देखते हैं, इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसका मावा जैसा टेक्सचर हो चुका है। तो अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा किसी बाउल में। इसको हम हल्का सा फैला देंगे या फिर प्रेस कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह ठंडा करना है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक वो ठंडा होता है हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर रख दिया मैंने एक पैन। इसमें डाली है मैंने 1.5 कप चीनी। अब इसमें डाला है मैंने 1 कप पानी। अब इसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर यानी गुलाब का जल। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और हम इसे एक अच्छी चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं चाशनी में उबाल आ चुका है। चाशनी को हमें ज़्यादा चिपचिपा नहीं करना है, बस हल्का सा हाथ में चिपचिपा लगना चाहिए। जब चाशनी ठंडी होगी तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो बस चाशनी हमारी बन चुकी है, हल्की सी चिपचिपी चाशनी हमारी बन चुकी है। तो गैस की फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑफ। इसको हम रख देते हैं। अब तो हमारा जो मावा है इंस्टेंट मावा वो ठंडा होकर तैयार हो चुका है। इसको हम हल्का सा मैश कर लेते हैं या फिर हल्का सा इसे क्रम्बल कर लेते हैं। तो मावा को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा एक प्लेट में। अब प्लेट में डालने के बाद इसे मैं हल्का सा क्रम्बल कर लूँगा। अब इसके अंदर डालूंगा मैं लगभग 3 टेबल स्पून रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। अब इसमें डालूंगा मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो आप एक चुटकी भरी बेकिंग सोडा डालें, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपके गुलाब जामुन जो हैं वो फट जाएंगे। तब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से। तो सभी को मैंने अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। हमारा जो ये मिक्सर है ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए अब इसमें डालूंगा मैं 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर यानी गुलाब का जल। आप चाहें तो इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने गुलाब का जल यूज़ किया है ताकि इसका थोड़ा फ्लेवर है वो बढ़ जाए। तो इसको मैं अच्छे से गूँथ लूँगा। तो इसको मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। आप देख सकते हैं एकदम आटे की तरह लग रहा है, जिसका हमने अच्छा सा नरम डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे और दोनों हाथों की सहायता से हम इसे गोल गोल कर लेंगे, जैसे कि छोटा सा बॉल होता है। तो बस दोनों हथेलियों की सहायता से हम इसे इस तरह बॉल में तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाए।
तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्रैक फ्री बॉल्स हमें बनाने हैं कि हम जो बॉल्स बनाएंगे गुलाब जामुन के उसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। क्रैक्स होने के कारण क्या होता है कि जब हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे तो बीच में ही फट जाते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे गुलाब जामुन के बॉल्स बना लिए हैं। इसमें मैंने बनाए हैं लगभग 19 गुलाब जामुन के बॉल्स। तो अगर आप बड़े साइज़ के बनाएंगे तो आपके लगभग 8 से 10 बॉल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं तेल को मैंने इतना गर्म किया है जितना कि एक गुलाब जामुन का बॉल डालने पर इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके बबल्स। तो बस इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए, ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। तो अब इसमें हम लगभग 10 से 11 गुलाब जामुन के बॉल्स इसमें डाल देंगे। तो बस धीरे धीरे करके हमें इसमें गुलाब जामुन के बॉल्स डाल दिए हैं। तो इसमें डाले मैंने लगभग 10 गुलाब जामुन के बॉल्स। तो बस इनको हमें चम्मच से हल्का हल्का सा इसे हिला देना है, ज़्यादा झारी से या फिर किसी दूसरी चम्मच से या हार्ड चम्मच से हमें इसे नहीं हिलाना, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन है वो नीचे से फट जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें इसे धीरे धीरे हिलाना है। तो बस हमें इसे दूसरी तरफ से भी या फिर चारों तरफ से हमें इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम लो फ्लेम पर इसे फ्राई करते जाना है। ध्यान रहे हमें इसे हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, इससे क्या होगा कि हमारे गुलाब जामुन अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे और बाहर से उसका रंग है चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो गुलाब जामुन हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल या फिर घी है उसको हम निकाल देंगे और इसको मैं डायरेक्ट डाल दूंगा चाशनी में। तो चाशनी मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी इसलिए मैंने इसे हल्का सा गर्म कर लिया था। तो बस चाशनी में डालने के बाद इसको मैं एक दो बार इस तरह मिक्स कर दूंगा चम्मच से। और जो बचे हुए गुलाब जामुन के बॉल्स हैं उनको भी मैं इस तरह कढ़ाई में डालकर या फिर तेल में फ्राई कर लूँगा। तो इनको भी मुझे सेम ही तरीके से फ्राई करना है। एक तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। ये गुलाब जामुन भी हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, जितना आप मावे से गुलाब जामुन बनाते हो इसका टेस्ट भी उतना ही टेस्टी होता है, यानी कि ये भी बहुत टेस्टी होता है टेस्ट में। तो बस इसको भी हम चाशनी में अच्छी तरह डिप कर देंगे। तो सारे गुलाब जामुन को मैंने इस तरह फैला दिया है ताकि चाशनी अच्छे से गुलाब जामुन में चली जाए। तो बस इसे हमें लगभग 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह चाशनी में छोड़ देना है ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से चाशनी पी लें या फिर इसमें चाशनी चली जाए। तो गुलाब जामुन लगभग 2 से 3 घंटे बाद हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है किसी बाउल में, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे गुलाब जामुन लग रहे हैं। तो अब एक गुलाब जामुन मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, उसे कट करके दिखाता हूँ कि उसने चाशनी कितनी पी है। आप देख सकते हैं अंदर से कितनी चाशनी है उसमें। तो ऊपर से आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर से हमारे गुलाब जामुन कितने जूसी हैं, चाशनी ने अच्छे से पी ली है। एक बार और मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी पसंद आई हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।